नमस्कार, स्वागत है आपका जी पुरवैया में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। महागठबंधन में घटक दल एक दूसरे पर आक्षेप तो अक्सर करते रहते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सीएम की समीक्षा बैठक में आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने सीधे सीधे सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। सीएम की मौजूदगी में आरजेडी विधायक ने अधिकारियों पर जमकर भड़ास निकाली, योजनाओं पर अमल में देरी के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया और ये तक आरोप लगा दिया कि थानों में जमे भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, लिहाजा मुख्यमंत्री इसकी जांच कराएं। स्वयं सेवक संघ का बड़ा हिंदू सम्मेलन कल बैतूल की धरती पर होगा। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इन तैयारियों के साथ साथ साइकिल और बाइक रैलियों के जरिए भी सम्मेलन के लिए माहौल बनाने की तैयारी की गई है। भीड़ जुटाने के लंबे चौड़े दावे भी हैं। कहा जा रहा है कि इस हिंदू सम्मेलन में 1 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। सुरक्षा के भी खास इंतजाम किए गए हैं। 1000 जवान चप्पे चप्पे की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे। पुलिस ग्राउंड में 2.5 लाख स्क्वायर फीट में 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था भी की गई है। एक तरफ संघ के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को सम्मेलन तक लाने की कोशिश की तो दूसरी तरफ कई आदिवासी। चलिए इससे जुड़े हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे, माफी चाहेंगे एक दूसरी खबर हमने दिखाई, लेकिन महागठबंधन के घटक दलों का इससे पहले हमने कई बार देखा है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है, लेकिन सवाल यह है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में अब यहां दो तरह की बातें सामने, हम कह सकते हैं कि दो तरह की चीजें हैं। या तो अगर भाई वीरेंद्र सरकार पर सीधा हमला बोल रहे हैं तो यह भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, उस सरकार को जिसमें खुद उनकी पार्टी भी शामिल है। और दूसरा, अगर इसको इस तरीके से लिया जाए कि वो सरकार पर हमला नहीं अधिकारियों पर हमला बोल रहे हैं, तो भी एक बहुत गंभीर सवाल है कि फिर इतने बड़े आरोप अधिकारियों पर लग रहे हैं, उन अधिकारियों पर जो सरकार चलाने में सबसे ज्यादा मददगार होते हैं, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी सरकार चलाना क्रियान्वयन करने का काम अधिकारी करते हैं, तो फिर अब तक यह सरकार खामोश क्यों रही? अगर अधिकारी इतने ज्यादा भ्रष्ट हैं, जैसा कि भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि हर जगह अधिकारी करप्शन में लिप्त हैं, यहां तक कि थानों में भी भ्रष्ट अधिकारी बैठे पड़े हैं। सीएम नीतीश की थी समीक्षा बैठक, लालू के एमएलए ने निकाली भड़ास, सरकार का खिलाफ खोला मोर्चा, सीएम के सामने आरोपों की बौछार। बिहार में महागठबंधन के घटक दल जब भी एक दूसरे पर तंज कसते हैं तो ये कहकर बात टाल दी जाती है कि दोनों पार्टियां लोकतांत्रिक हैं, लिहाजा उन्हें अपनी बात कहने की आजादी है। लेकिन सीएम की समीक्षा बैठक में ही जब घटक दल के नेता सरकार के कामकाज पर कीचड़ उछालने लगे तो फिर सरकार का क्या इकबाल रह जाएगा? निश्चित रूप से जो सवाल थे और गंभीर मामला मैंने उठाया है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने फिर आगाह किया है कि विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं, को मैंने चुना है, हम विधायकों ने आपको चुना है तो आप मुख्यमंत्री हुए हैं, इसलिए विधायकों की बातों को इग्नोर नहीं किया जाए। जब विधायक बोलता है तो कोई बात है जरूर, उसकी जांच होनी चाहिए। और मैंने कहा है कि अगर जांच हमारा आप सही नहीं निकला तो मैं विधायकी से रिजाइन कर दूंगा, मैं विधानसभा से रिजाइन कर दूंगा। आज जिस पर आरोप लगे हैं उसकी जांच सही वरीय पदाधिकारी से कराया जाए और वो अंग्रेजों जैसा ट्वीट करता है और मुख्यमंत्री और सरकार का आदेश है कि हमारी जनता जब ब्लॉक में जाए, थाना में जाए, तो उसको इज्जत और सत्कार से बात करो, कुर्सी दो, उसकी समस्याओं का निदान करो। महागठबंधन में ये कैसा लोकतंत्र है? सीएम के सामने क्यों लांघी गई सीमा? ये बात सच है कि बिहार के मौजूदा गठबंधन में आरजेडी के विधायकों की संख्या जेडीयू से ज्यादा है, लेकिन क्या इस बात का बार बार सीएम नीतीश कुमार को एहसास करवाना और सरकार के कामकाज पर सीधे सीधे उंगलियां उठाना कहीं से भी महागठबंधन की मर्यादा कही जा सकती है? कुछ लोग हैं जो अपने आदत से जरूर बाजने आते हैं। देखिए, लोकतंत्र में सबको बोलने की आजादी है,
लेकिन जिस गठबंधन में रहकर हम सरकार चलाते हैं और उसी के मुखिया पर हम आक्षेप, कोई बात है तो एक फोरम पर मनानी चाहिए वो बात को। अब देखना है कि लालू और नीतीश के कुनबे के नेता महागठबंधन को कब तक लठबंधन बनाए रखते हैं, क्योंकि सीएम के आधिकारिक कार्यक्रम में जब मर्यादाएं तोड़ी जाएंगी तो फिर महागठबंधन में तालमेल बिगड़ना लाजमी हो जाएगा। शैलेंद्र के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। और समझ में भी नहीं आता, इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी गठबंधन के नेता अक्सर ये कहते रहते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है। खुलेआम एक दूसरे की फजीहत की जा रही है, खुलेआम एक दूसरे पर छींटाकशी हो रही है, आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, उसके बावजूद सब कुछ ठीक वाला जो रवैया है ये समझ से परे है। फिलहाल हमारे साथ चर्चा के लिए जो मेहमान जुड़ गए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी विधायक संजीव चौरसिया जुड़े हैं, इसके अलावा आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और जेडीयू नेता निहोरा प्रसाद यादव हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। मृत्युंजय तिवारी जी, शुरुआत आपसे करेंगे क्योंकि आपकी पार्टी के नेता भाई वीरेंद्र ने बहुत गंभीर आरोप लगाए। सवाल यह है कि अक्सर कहा जाता है कि एक उचित प्लेटफॉर्म देखें कहां बात करनी है। यहां पर तमाम अधिकारी मौजूद थे, मुख्यमंत्री का ये आधिकारिक कार्यक्रम था, मीडिया कर्मी मौजूद थे, और वहां पर सीधा हमला बोल देना, क्या नहीं लगता कि अपनी ही सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं भाई वीरेंद्र? नहीं देखिए, भाई वीरेंद्र माननीय विधायक हैं जी और सीनियर विधायक रहे हैं, और उन्होंने जो बातें कही वो उस बैठक में कुछ अधिकारी पदाधिकारी भी उपस्थित होंगे जी, जो किसी कारणों से सरकार की योजनाओं को ठीक तरीके से लागू नहीं कर रहे होंगे या जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं हो रहा होगा, ये कुछ व्यक्तिगत बातें रही होंगी। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं जी कि ये बातें जिस फोरम पर होनी चाहिए उसके बाहर नहीं आनी चाहिए, इस बात से हम भी सहमत हैं जी। लेकिन कुछ ऐसे अधिकारी पदाधिकारी हैं जी जो सरकार के योजनाओं को, सरकारी योजनाओं को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं या कार्यकर्ताओं का जो समस्या है उसका निदान नहीं होता है, इस तरह के कुछ मुद्दे होते हैं जो जनप्रतिनिधि होते हैं वो इस तरह की बात माननीय मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार जो है वो इस मिजाज के नेता माने जाते हैं। कुछ नेता होते हैं जो कहते हैं कि अधिकारियों को बहुत ज्यादा ताकत नहीं देनी चाहिए, लाल फीताशाही हावी होती है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये रिकॉर्ड रहा है कि वो कहते हैं कि अधिकारियों को मजबूत बनाइए ताकि क्रियान्वयन में कोई समस्या नहीं आए, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी और अपना कर्तव्य और अपने अधिकार भी समझ सकें। सवाल यही है जो हमने इससे पहले कहा कि दोनों ही मामलों में सरकार कटघरे में है। अगर ये आरोप सीधे सरकार पर थे तो भी बहुत बड़ा सवाल, अगर ये सिर्फ अधिकारियों का दोष है तो भी बड़ा सवाल है कि क्या इतने समय से तमाम अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें सरकार बर्दाश्त कर रही है। जैसा कि भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि अगर बात गलत निकली तो वो विधायक ही छोड़ देंगे, ये तो बहुत गंभीर मामला है। देखिए अभिषेक जी, जी सरकार पर सवाल नहीं है, अगर कुछ अधिकारियों के गलती के कारण जनप्रतिनिधि, संविधान में सबका अपना अपना अधिकार है जी, सबका सम्मान है, और जो अधिकारी है, जो पदाधिकारी है, वो जनप्रतिनिधियों का सम्मान अगर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से वो पदाधिकारियों उन पर कार्रवाई होगी। एक दो पदाधिकारी नहीं है निहोरा प्रसाद जी, ये सरकार निहोरा प्रसाद जी, एक दो अधिकारियों की बात उन्होंने नहीं की। अगर भाई वीरेंद्र विधायक रखी है, एक विधायक मीटिंग में आरोप लगाते हैं मुख्यमंत्री के सामने कि थानों में भ्रष्ट अधिकारी बिठाए गए हैं और उन पर सरकार कार्रवाई नहीं करती, अगर वो ये कहते हैं कि जनप्रतिनिधियों की बात अधिकारी नहीं सुनते, अगर वो ये कहते हैं कि सरकारी योजनाओं को किस तरीके से लागू करना है इस पर अधिकारियों का लापरवाह रवैया है, तो फिर कटघरे में कौन है? अभिषेक जी, मैं कहना चाहता हूं जी कि समीक्षा बैठक का मतलब ही होता है कि कौन से योजनाएं क्रियान्वयन हो रहे हैं जी और कौन से योजनाओं में ढिलाई बरती जा रही है, इसी की समीक्षा होती है। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री ने जिले के सारे जनप्रतिनिधियों को बुलाकर समीक्षा बैठक की, जहां खामी आई मुख्यमंत्री ने भी देखा, जिन योजनाओं में लागू करने में विलंब हो रहा है मुख्यमंत्री भी नहीं देखा, लेकिन
भाई वीरेंद्र ने जो सवाल उठाया है, शायद जहां तक मुझको स्मरण है कि मुख्यमंत्री जी एक बार नहीं कई दफा अधिकारी कलेक्टर एसपी चीफ सेक्रेटरी के माध्यम से जी निर्देश दिया है कि जनप्रतिनिधियों की बातों को सुना जाए। मैं मानता हूं कि अधिकारियों पर आरोप हो सकते हैं जी, ऐसा नहीं कि सारे लोग स्वच्छ छवि के अधिकारी हैं जी, जी। मैं भी सहमत हूं इस बात से, लेकिन उन पर उसकी जांच उसकी कार्रवाई कराने का तरीका अलग है। भाई वीरेंद्र जी, अगर मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखते कि अमुक अधिकारी पर यह भ्रष्टाचार का आरोप है, तब मुझको नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री जी उसकी जांच नहीं कराते या कार्रवाई नहीं करते। यही बात न्यूरा जी, हम देख नहीं, नहीं आपने सही बात कही और इसी को शायद हो सकता है कि आप बहुत सॉफ्टनेस के साथ कह रहे हैं। तीसरी बात में बिल्कुल बोलिए बोलिए आप। नहीं 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 सॉफ्ट मैं उसके मैं साथ नहीं कर रहे हैं। मैं जानता हूं मुख्यमंत्री जी को कि भ्रष्टाचार के मामले में किसी को बकसने वाले नहीं है वो, अब बकसते भी नहीं है। तीसरी बातें मैं कहता हूं कि इधर जो परंपरा बनाए गए हैं एनडीए के कार्यकर्ता और विधायकों के साथ बैठक करना तय किया है मुख्यमंत्री जी ने, तो उसमें भी बात उठ सकता है या व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री से समय मिलकर इन बातों को रखा जा सकता। चलिए, लेकिन आपने ये कहा कि मुख्यमंत्री को वो पत्र लिख सकते थे। सही है। नहीं नहीं निहोरा जी, इस पर गौर कीजिएगा कि बात ये है कि आपने देखिए खुद स्वीकारा है कि मुख्यमंत्री पहले भी कई बार अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं। संजीव चौरसिया जी, ये बहुत दिलचस्प तरीके से सरकार चल रही है और इसकी कार्यशैली पर एक बहुत बड़ा सवाल यहां ये खड़ा होता है, अगर चीफ सेक्रेटरी तक को निर्देशित किया गया है कि अधिकारियों को बताएं कि वो जनप्रतिनिधियों की सुने और उसके बावजूद एक समीक्षा बैठक में खुल्लम खुल्ला एक विधायक आरोप लगाते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री के निर्देश का अब अधिकारियों को कोई मतलब नहीं रह गया? क्या ये माना जाए कि चीफ सेक्रेटरी को भी जो निर्देशित किया गया उसकी भी पालना प्रदेश में अब नहीं हो रही है? नहीं अभिषेक जी, एक अधिकारी से सारे अधिकारियों की तुलना नहीं किया जाए। नहीं निहोरा जी, आपने कहा है कि मुख्यमंत्री ने हर स्तर पर निर्देश पहले ही दे रखे हैं, नहीं माना तो पहले निर्देश अगर दिए हैं और आज तक उस पर नहीं अमल में लाया अधिकारी ने, दिया है तो बहुत बड़ा सवाल है और तभी तो भाई वीरेंद्र अब ये सवाल उठा रहे हैं। संजीव, नहीं अमल कैसे नहीं है? नहीं अमल तो है ही, वीरेंद्र जी के अलावे किसी ने कुछ बोला है क्या? भाई वीरेंद्र जी, संजीव जी आप अपनी बात कहें। भाई वीरेंद्र जी जो सवाल उठाए उसमें सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न है कि जो चीज के द्योतक स्वयं रहे हैं हर बार के, आज वो विषय उठा रहे हैं लोगों के सामने, तो बड़ा प्रसंग ये देखना है कि आजकल दबंगई का प्रकार चल नहीं रहा है क्या उनका? बड़ा प्रश्न ये है कि पटना में जगह जगह पर संस्थानों पर जो कब्जा का जो हिसाब रखते हैं उसका जवाब कौन देगा? आखिर में उनके दबंगई की अपनी प्रकार क्या रखना चाहते हैं वो? तो जब चलती नहीं है अपने प्रकार की तो आरोप का मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं, तो यह भी तो बड़ा प्रश्न है कि दबंगई का जमाना का लगता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? तो दबंगई के आधार पर समाज अपने आप में प्रस्फुटित नहीं होती है, तो समाज की एकरूपता और दबंगई का प्रकार को जो रखना चाहते हैं क्षेत्र की दृष्टि से या बाहर की दृष्टि से, अनेक सामाजिक क्षेत्रों में जाकर और कब्जा का अभियान जो चलाते हैं पटना में आकर, तो आखिर में जवाब देना चाहिए उनको, तो कहीं से जवाब नहीं है। तो क्या सरकार आप दोनों है कि अधिकारियों पर अपनी दबंगई चलाने के लिए खुली छूट ज्यादा रहने वाली है कि लॉ एंड ऑर्डर के मानने वाली नहीं? आज गठबंधन के साथ में आरजेडी का जो क्रियाकलाप जिस प्रकार से रहा है जी, उसका जवाब कौन देगा? आज लॉ एंड ऑर्डर पे लॉ एंड ऑर्डर के जाएंगे आप आरजेडी के क्रियाकलाप के सवाल के पहले अपने कार्यकाल का भाई जवाब दीजिए। और आरजेडी का क्रियाकलाप ये रहा है कि आरजेडी के शासन में आने के बाद आरजेडी जदयू का गठबंधन हर चली रही है प्रकार से। मृत्युंजय जी, मृत्युंजय जी, ये गंभीर आरोप ये है कि क्या आरजेडी विधायक अधिकारियों पर अपनी दबंगई दिखाने के लिए सरकार से खुली छूट चाहते हैं, जैसा कि बीजेपी विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कि एक छलावा की सरकार है, यह विकास को से दूर की सरकार है, अपनी सरकार पूरी तरह से विकास विरोधी सरकार है। केंद्र सरकार से पूछिए
केंद्र सरकार तो जितनी सरकार ने छला है उपयोगिता भी जनता को जनता के आशीर्वाद से झोली भर जाते आए हैं। बीजेपी के दृष्टि बदल गया है, बीजेपी के दया के कारण हम नहीं आए हैं। नहीं नहीं मृत्युंजय जी, यहाँ सवाल केंद्र सरकार का है ही नहीं ना, आरोप तो सीधे लग रहे हैं कि विधायक खुली छूट चाहते हैं दबंगई दिखाने के लिए, इसलिए वो सरकार से चाहते हैं कि सरकार अधिकारियों पर नकेल कसे। या नहीं, यहाँ विधायक के दबंगई का भी नहीं हो सकता है अभिषेक जी, ये मुद्दा है। विधायक हो, बड़े नेता हो, खुली छूट अगर कोई चाहते हो तो संभव नहीं है। नीतीश जी के राज्य में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से नहीं कर पा रहा है। नहीं तो क्या वजह है कि बार बार सरकार की कार्यशैली को लेकर बार बार ये समस्या भाई वीरेंद्र को ही क्यों होती है, ये भी एक बड़ा सवाल है ना। क्योंकि पहले सरकार को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं कई बार, अब अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। नहीं नहीं जनपद, देखिए अभिषेक जी जी, भाई वीरेंद्र जनप्रतिनिधि है और उनको अधिकार है कि वो जिस अधिकारी के बारे में उन्होंने कहा है कि हम दावे के साथ कह सकते हैं। निहुरा प्रसाद जी, इसका जवाब मुझे लगता है कि बीजेपी से बेहतर आपको देना चाहिए, क्योंकि आपकी पार्टी की सरकार है, आपके नेता मुख्यमंत्री हैं। भाई वीरेंद्र को मुख्यमंत्री की कार्यशैली पसंद नहीं आती, भाई वीरेंद्र को जेडीयू की कार्यशैली पसंद नहीं आती, भाई वीरेंद्र को अब अधिकारी भ्रष्ट नजर आने लगे हैं, यहाँ तक कि थानों में अधिकारी जो है वो भी भ्रष्ट नजर आ रहे हैं। आप प्रश्न को घुमा रहे हैं। नहीं नहीं, वो हमेशा उनके बयानों की बौछार लगा देते हैं। भाई वीरेंद्र कैसी बात कर रहे हैं मृत्युंजय जी? नहीं बयानों के नहीं, अभिषेक जी, मैं तो जनप्रतिनिधि नहीं रहा हूँ जी, लेकिन मैं राजनीति विज्ञान के छात्र होने के नाते जी इतना जरूर जानता हूँ, समझता हूँ जी, कि यदि जनप्रतिनिधि के बातों को ना माना जाए जी तो जनप्रतिनिधि को कई अधिकार है कार्रवाई करने का, बिल्कुल, चाहे विधानसभा हो चाहे विधानसभा से बाहर हो, कई तरह के अधिकार प्राप्त हैं जिनके माध्यम से वो उन पर कार्रवाई करा सकते हैं, कर सकते हैं। तो मुझको लगता है कि माननीय विधायक को इन अधिकारों का उपयोग करना चाहिए आक्षेप लगाने के जगह पर जी। कि भाई विधायक जनप्रतिनिधि है, बात नहीं मान रहा है, कहाँ आपने कोई आंदोलन किया ऐसे प्रतिनिधियों के खिलाफ, पेज अफसरों के खिलाफ, कहाँ आपने कोई पत्र लिखा मुख्यमंत्री जी को ऐसे अधिकारियों के खिलाफ, कहाँ कोई आप विधानसभा में सवाल उठाया, कहाँ विशेषाधिकार हनन का प्रश्न विधानसभा में रखा, तो सारे कई अधिकार। निहुरा जी, हम इसको क्या ये माने कि भाई वीरेंद्र उपयोग शायद वो एक सुर्खियों में बने रहने के लिए, या ये माने कि मीडिया अटेंशन के लिए वो यही मौका ढूंढ रहे थे कि कैसे हम सबके सामने मीडिया के सामने इस बात पर सरकार पर आरोप लगाएं? क्योंकि ये तो सीधे सरकार पर आरोप है ना, कि जब आप कहते हैं कि हर जगह थानों में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, हर जगह कहकर आपने तो तमाम अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। बता सकते हैं उस पर किसने खड़ा कर दिया? नहीं, भाई वीरेंद्र की बात कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र अगर ये कह रहे हैं कि थानों में किसने खड़ा, वो किसी एक खास थाने की बात करते हो तो बात समझ में आती है। अच्छा मुझको बताइए, अगर बिहार के अधिकारी सारे खराब होते जी तो आज जो बिहार में विकास हुए हैं, बिहार आगे बढ़े हैं तो नहीं बढ़ता। तो ये भाई वीरेंद्र को समझना चाहिए, ये भाई वीरेंद्र को समझाना चाहिए आपको। संजीव चौरसिया जी, अधिकारियों के सारे मैं मानता हूँ जी। हाँ संजीव चौरसिया जी, क्या भाई वीरेंद्र नहीं समझ पा रहे हैं अपने सरकार के कामकाज को, या ये माना जाए कि वाकई जो वो कह रहे हैं सही है? किसे ठीक माना जाए? अभिषेक जी, बड़ा विषय ये है कि पूरे बिहार के दृष्टि से सूबे में लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से गड़बड़ाया है, हत्याएं की दौड़ चली है, विकास तो अवरुद्ध हो ही गया है पूरी तरह से। आज कुछ भी कहिए तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में विकास में चारों तरफ बाधाएं ही बाधाएं हैं, इसमें सुविधा का कोई विषय है नहीं। चारों तरफ अगर देखेंगे, पटना से लेकर जिस प्रकार से हत्याएं की दौड़ चली है तो अपने आप का प्रकार का है। भाई वीरेंद्र का जो प्रश्न है वो तो मैंने खुल के इस विषय को बताया कि दबंगई का प्रकार का आधार का नहीं रहता है, तो अलग अलग प्रकार से अटेंशन का जो प्रकार रहता है वो अपना रखे, वो अलग विषय है। पर बिहार के परिपेक्ष में ये विषय है कि दोनों का गठबंधन का कहीं ये मेल है ही नहीं, बेमेल अपने प्रकार से है, और लॉ एंड ऑर्डर की जो चरमराती हुई स्थिति है वो बिहार को जवाब कौन देगा?
ये वर्तमान सरकार के परिपेक्ष वो इस चीज को सोचना पड़ेगा कि केवल एक विषय को, शराबबंदी के विषय को बार बार कहते हुए अब बिहार को विकास के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। आज बिहार के विकास के साथ इस विषय को बताने का प्रयास क्यों नहीं हो रहा है बिहार के जनता को कि हमने बिहार के संदर्भ में विकास किया, पर दोनों इस विषय को प्रकार को रखना नहीं पा रहे हैं, तो हर चीज को डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित करना चाह रहे हैं। दिग्भ्रमित है, सकारात्मक रूप से सकारात्मक परिणाम और पहल करने की कोई आवश्यकता इन लोगों की रही नहीं गई है। बीजेपी दिग्भ्रमित है, अगर आपसे रही नहीं गया चश्मा पड़ गए लोगों को, नहीं आए लिखेगा, समझ में नहीं आया कि दबंगई का प्रकार चल नहीं पा रहा है। जनता इस चीज को देख रही है, जनता को भी भूमि क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं, लाख अभिमारी का चुनाव करने की बात क्या बन जनता चले गए, जनता जो है सब कुछ देखती है, ये जो दक्षिण है सब कुछ जयंती है, अपने जनता है पर ध्यान लगाए। चलिए निहोरा जी भी कुछ कह रहे हैं, उनकी भी बात सुन लेते हैं। निहोरा प्रसाद जी, निहोरा प्रसाद जी आप अपनी बात कहिए। चले गए, मैं एक कहना चाहता हूँ। जी जी चले गए, हाँ जरा चुप रहे, मैं एक कहना चाहता हूँ अभिषेक जी, जी कि अब तो भारतीय जनता पार्टी को अपने आप में सुधार करना चाहिए। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, नहीं नहीं निहोरा प्रसाद जी देखिए, वो चुनाव के दरमियान आरजेडी और जेडीयू की जो राजनीति है वो आप अपने तक रखें। नहीं जंगल राज की संभावना व्यक्त किया था जी, तब भी बिहार के लोगों ने समर्थन किया महागठबंधन को। अब मैं बताता हूँ, ये जुमले की बात नहीं, असत्य बात नहीं, निहोरा प्रसाद जी चाहिए भारतीय जनता, निहोरा प्रसाद जी, आज जो बिहार का विधि व्यवस्था है अपराध के जो आंकड़े हैं पूरे देश में नीचे सबसे है, तभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं क्राइम बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहा है, अलग हटिए। जवाब दीजिए संजीव चौरसिया जी, संजीव चौरसिया जी आपको रोकना चाहेंगे, संजीव जी, अरे जनता संजीव जी आपको रोकना चाहेंगे। देखिए मुद्दा ये नहीं है निहोरा जी कि आपके या बीजेपी या आरजेडी के बीच सियासत किस तरह की होती है, ये आप लोगों का मसला है। हमारा मसला ये है कि जो भाई वीरेंद्र कह रहे हैं उसको किस तरीके से लिया जाए। इस सरकार को कटघरे में खड़ा कर देना, जैसा कि देखिए दो अलग अलग बातें यहीं पर सामने आ रही हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार ने खूब विकास किया है, कोई एक अधिकारी गलत हो सकता है। मृत्युंजय जी कह रहे हैं कि भाई वीरेंद्र एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है, उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। तो सवाल यही है कि जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि सब अच्छा चल रहा है, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि नहीं अधिकारी गलत कर रहे हैं, तो ये अलग अलग क्यों? क्या मुख्यमंत्री तक अपनी बात विधायक आरजेडी के नहीं पहुंचा पा रहे हैं? नहीं नहीं अभिषेक जी, नहीं अभिषेक जी, जो जनप्रतिनिधि हैं जी, जो सवाल उठाते हैं, या जनप्रतिनिधि के अलावे जो सामाजिक कार्यकर्ता समाज के सेवा में लगे हैं, जो सवाल उठाते हैं जी, निश्चित रूप में गंभीरता से इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये सवाल नहीं है ना, ये तो छिदागछी और ये आरोप है ना कि उस बैठक के बाद भी आप बाहर निकलते हैं और ये कहते हैं कि अगर मेरे आरोप गलत निकले तो मैं विधायक की छोड़ दूंगा। मृत्युंजय जी, आपको लगता है छिदागछी, लेकिन ये सवाल ही है। कोई एक अधिकारी गलत हो सकता है, या सरकार में बैठे जितने भी हैं, सरकार के अंतर्गत काम करने वाले जितने अधिकारी हैं सब भ्रष्ट हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि सभी थानों में भ्रष्ट अधिकारी बिठा दिए गए। किसने बिठाए वो अधिकारी? नहीं नहीं देखिए अभिषेक जी, जी अभिषेक जी, कुछ एक अधिकारी लापरवाही कुछ एक अधिकारी सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे होंगे जी, तो कुछ एक अधिकारियों पदाधिकारियों के चलते पूरे सरकार पर अप्रस्तुति नहीं कर सकते। सरकार काम कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है और बिहार विकास के रास्ते पर जा रहा है। क्या हो रहा है और बिहार का विकास पूरे देश का मोड़ बना है। लेकिन मुझे लगता है कि मृत्युंजय जी जो आप बात कह रहे हैं ना, इससे अधिकारियों का मनोबल भी गिरता है। नहीं नहीं मृत्युंजय जी, ये कह देना, क्योंकि अधिकारियों को किसी सियासी पार्टी से नहीं छोड़ना चाहिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि अधिकारी जानबूझकर सरकार को बदनाम कर रहे हैं। बिहार नामक उत्तर प्रदेश चल रहा है,
दलितों को प्रदेश ही बंद कर दिए। चलिए फिलहाल लेकिन लेकिन चलिए हमारे पास वक्त की कमी है। संजीव सरकिया जी, मृत्युंजय तिवारी जी, निहोरा जी, वक्त की कमी है इसलिए चर्चा को आगे नहीं बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल यही है कि अधिकारियों को कटघरे में खड़ा करके क्या अधिकारियों का मनोबल नहीं गिराया जा रहा है? जैसा कि मृत्युंजय जी अभी कह भी रहे थे कि अधिकारी जानबूझकर सरकार की छवि बिगाड़ रहे हैं। अधिकारी को किसी सियासी दल से जोड़ना या किसी सोच से जोड़ना ठीक नहीं होगा। सोचना यह होगा कि जनप्रतिनिधि क्या चाहते हैं। वो अधिकारियों पर अपना नियंत्रण चाहते हैं या वाकई ऐसा हो गया है कि गठबंधन के एक दूसरे के घटक दल जो है एक दूसरे पर छींटाकशी और आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलने लगे हैं। विपक्ष को भी इसी से मौका मिल रहा है। मुद्दे की बात में आज बस इतना ही। बने रहिए जी पुरवैया के साथ। नमस्कार।